झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि स्पॉट गोल्ड जो है वो $1720 तक फिसल सकता है और हमने इस सप्ताह उसके काफ़ी करीब प्राइजेस को जाते हुए देखा, $1730 के लोज बनते हुए देखे, जिसके बाद एक रिलीफ रैली में $1745 तक की क्लोजिंग देखने मिली है। खास करके जो जॉब स्टेट आया नॉन फार्म पेरोल का अमेरिका से, उसके बाद हमने देखा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दिया है। तो मेन जो कारण है जो प्राइसेस को दबाव में ला रहे हैं वो यही है कि ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो एक रिसेशन की एक माहौल की डिस्कशन हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो या सेंट्रल बैंकर्स हो, वो दोनों ही इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे इनिशियली हमने देखा है कि प्रेशर में आती हुई दिखी है और इसके पहले भी देखा जाए, चाहे वो 2008 हो या 2020 हो, जब भी रिसेशन आया है तो पहले जो रुझान रहता है गोल्ड और सिल्वर दोनों का ही, वो नीचे की तरफ रहता है। और उसके बाद जब रिसेशन अपने पीक पर होती है या चरम सीमा पर होती है, तब हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ा उछाल आता हुआ दिखता है। इस दफ़ा भी ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर फिलहाल आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए गिरावट के रुझान में रहेंगे और ये पॉसिबल है कि $1720 के बाद $1655 से $60 तक के स्तर हमें स्पॉट गोल्ड में दिख सकेंगे, यानी भारतीय बाजारों में हो सकता है कि लगभग 49,000 तक के भी लेवल देखें, लेकिन ओवरऑल वहाँ से दोबारा बाइंग एमर्ज होते हुए दिख सकती है। आने वाले हफ्ते की बात करें तो इमीडिएट तौर पर 50,400 का जो एक सपोर्ट है फिलहाल प्राइसेस ने होल्ड किया और 50,800 के करीब की क्लोजिंग आई है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद में 52,200 के ऊपर के स्तर देखे थे, वहाँ से लगातार डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो गिरावट का रुख दिखा रही थी और ऐसा लगता है कि ये रुख जारी रहेगा आने वाले हफ्ते में भी। शॉर्ट टर्म बेसिस अगर 1770 से $1780 तक का एक उछाल देखने मिले तो वहाँ पर बिकवाली का एक जो एक पोजीशन है वो ली जा सकती है, सेल ऑन रैलीज किया जा सकता है $1720 के टारगेट के लिए, यानी 51,200 से 300 भारतीय बाजारों में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। और डाउनसाइड में 50,400 और उसके बाद 50,150 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में गोल्ड में दिख सकते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो काफ़ी महीनों के निचले स्तरों को छुआ है चांदी ने, $19 के करीब के लोज बनते हुए देखे हैं और भारतीय बाजारों में करीबन 56,500 के नीचे के लोज बने, जिसके बाद 57,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। हालांकि ओवरऑल जो रुझान है आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए, ऐसा लगता है कि 59,000 के ऊपर जब तक दाम नहीं निकलेंगे तब तक सेल ऑन रैलीज या उछाल पर बिकवाली करके चल सकते हैं और डाउनसाइड में 55,000 यानी $18.5 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं स्पॉट सिल्वर में। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते यही डिस्कस किया था कि 9,000 के स्तर जब तक नहीं निकलते तब तक उछाल पे बिकवाली करके चलना फ़ायदे का सौदा होगा और 7,900 तक के स्तर की डिस्कशन हुई थी। प्राइस जो है काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ दिखाते हुए शुरुआती दिनों में पिछले हफ्ते के हमने देखा कि एक दिन में करीबन 10 से 11% की भी गिरावट आई थी और दाम जो है वो 7,550 तक भी लुढ़क गए थे। हालांकि उसके बाद जो साप्ताहिक क्लोज है वो 8,200 के ऊपर देने में प्राइसेस कामयाब हुई हैं। आने वाले हफ्ते में 7,900 का एक इमीडिएट सपोर्ट होगा और 7,650 का जो होगा एक मेजर सपोर्ट होगा। जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रही हैं तब तक शॉर्ट कवरिंग मूव में 8,450 और उसके बाद 8,650 ये दो स्तर जो है एक टारगेट की तरह लेके चलना चाहिए। फिलहाल जो फंडामेंटल्स हैं वो मिक्स्ड हैं, हालांकि रिसेशनरी फियर्स फिलहाल मार्केट में हैं, लेकिन साथ ही साथ सप्लाई में भी कमी है। लीबिया की सप्लाई में अभी हमने एक कमी आते हुए देखी है, जिसके चलते जो क्रूड ऑयल के निचले स्तरों पे हमने निवेश मांग हो या फिर एक्चुअल ग्राउंड पे जो डिमांड है
उसे आते हुए देखा है। वहीं पर नेचुरल गैस की बात करें तो जो पिछले हफ्ते हमने 427 के जो लक्ष्य डिस्कस किए थे वो हासिल होते हुए दिखे, 465 से अच्छे तरीके से हमने एक 8-9% की गिरावट देखी, लेकिन हफ्ते का क्लोज आते आते प्राइसेस में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ दिखा, खास करके जब थर्सडे को इन्वेंट्री डेटा आया जहाँ पर 80 BCF के बढ़त के बजाय 60 BCF की बढ़त हुई, यानी इन्वेंट्री या स्टॉक में कम बढ़त होने की वजह से हमने प्राइसेस को ऊपर आता हुआ देखा। और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद जहां पर 750 से लेकर 425 तक की गिरावट हुई है पिछले 1 से 1.5 महीने में, एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान देखने मिला है और ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये शॉर्ट कवरिंग जारी रहेगी। 445 से 50 का एक इमीडिएट सपोर्ट होगा और जब तक इसके ऊपर दाम रहेंगे तब तक अपसाइड में 525 और 540 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो हमने देखा कि कॉपर में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 19 महीनों के निचले स्तरों को छुआ है LME कॉपर में, और यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी 630 तक के स्तरों को छुआ है, जबकि आपको ध्यान होगा कि 890 के करीब के हाइज देखे गए थे 2 महीने पहले। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है सारे ही बेस मेटल्स में। कॉपर में फिलहाल 630 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट ज़रूर है और प्राइस ने जो है 660 तक की आसपास की क्लोजिंग दी है, निचले स्तरों से करीबन 4% ऊपर प्राइजेज ने क्लोजिंग दी है। ये शॉर्ट कवरिंग मूव इनिशियल तौर पे और जब तक 640 से 630 के स्तर होल्ड कर पा रही है प्राइसेस, तब तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 685 तक देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो रुख है वो सेलन रैलीस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी रिसेशन जो है डिस्काउंट हो रही है, चाहे वो US में हो या यूरोप में हो, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि हम 605 तक के स्तर भी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में देख पाएंगे। वहीं जिंक में भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद 270 तक के लोज बनते हुए देखे और उसके बाद 278 तक की क्लोजिंग आते हुए देखी है। शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड का मूव देखने मिलेगा जहां पर 283 से 85 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब तक 295 के नीचे प्राइजेस हैं तब तक 265 तक फिसलने की संभावना बनी हुई है, यहां पर भी उछाल पे बिकवाली करके चला जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें आने वाले दिनों में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।